विजय माल्या अकेला भगोड़ा उद्योगपति नहीं है जो 17 बैंकों का हजारों करोड़ रुपए डकार कर लंदन में छिपा बैठा है। विदेश मंत्रालय ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसके मुताबिक देश के करीब 53 लोग वर्तमान में इंग्लैंड में रह रहे हैं, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इनके प्रत्यर्पण के लिए ना तो प्रवर्तन निदेशालय और ना ही गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय से कोई अपील की है। इस मामले में विदेश मंत्रालय का कहना है कि मंत्रालय को केवल विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए सीबीआई ने निवेदन किया था। विदेश मंत्रालय ने उन सभी लोगों का पूरा विवरण मुहैया करवाने को कहा है जिन पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज है और जिन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे लोगों के प्रत्यर्पण के संबंध में अगर गृह मंत्रालय से उनकी बात होती है तो विदेश मंत्रालय भारत ब्रिटेन के बीच 1992 में हुई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के तहत उन्हें देश में वापस लाने का पूरा प्रयास करेगा। विदेश मंत्रालय ने यह भी माना है कि ईडी ने उन 53 भगोड़ों की शिकायत की है, लेकिन ना तो ईडी ने और ना ही गृह मंत्रालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत उनके प्रत्यर्पण का निवेदन किया है। विदेश मंत्रालय ने इन 53 लोगों के नाम भी उपलब्ध करवाए हैं जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएल।